देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी। अब तक कोरोना के 700 से अधिक नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ठंड और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 के कारण कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। JN.1 के कारण कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन कई लोगों का सवाल है कि इन्फेक्शन का खतरा मौसम या JN.1 के कारण है। साथ ही कोरोना की खबर आते ही लोगों के बीच कई भ्रामक जानकारियां फैलने लग जाती हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि क्या नए वेरिएंट के कारण भारत में लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं लॉकडाउन से जुड़ी सभी जानकारी के बारे में। क्या JN.1 के कारण लॉकडाउन लगाया जा सकता है? यंग जनरेशन या यंग पॉपुलेशन का मूवमेंट बंद नहीं करना चाहिए। इस वेरिएंट ने बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस वेरिएंट के कारण अपने काम को सीमित करने की भी जरूरत नहीं है। साथ ही 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। जिन्हें गंभीर बीमारी है उन्हें भी जरूरत के अनुसार ट्रेवल करना चाहिए। कोरोना के मामले बढ़ने पर क्या मौसम जिम्मेदार है? सर्दियों के मौसम में वायरस बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि JN.1 जो वेरिएंट है वो माइल्ड म्यूटेशन वेरिएंट है। ये वेरिएंट तेजी से फैलता है लेकिन इसकी डेथ रेट काफी कम है, इसीलिए मौसम के अनुसार भी इसकी म्यूटेशन की संभावना अधिक हो जाती है। अगर सिर्फ एक व्यक्ति ने मास्क लगाया और सामने वाले ने नहीं लगाया तो 50-60% कोरोना फैलने की संभावना होती है। अगर दोनों व्यक्ति मास्क लगा के रखते हैं तो वायरस स्प्रेड होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि मास्क लगाएं और दूरी बनाए रखें। JN.1 वेरिएंट से अभी ज्यादा मौतें नहीं हो रही हैं और ये कम संक्रामक भी है। ऐसे में अभी लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं। फिलहाल आपके हिसाब से देश में लॉकडाउन की वापसी होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।